नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते झारखंड के जिला पाकुड़ की खास खबरों की ओर। 21वीं सदी के भारत में जहां हम चांद पर पहुंच चुके हैं, वहीं हमारी बेटियां घर से बाहर निकलने पर भी कतराती हैं। इसलिए हमें उन्हें उच्च शिक्षा एवं जरूरी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। ये शब्द पाकुड़ के प्रमुख समाज सेवी से लायंस क्लब विशाल के अध्यक्ष मंजीत लाल रजक के हैं, जिन्होंने अपने साथी सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री के प्रमुख पहल आत्मनिर्भर को जागरूक करने के लिए दो स्थानीय महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की है। उन्होंने बताया कि शिक्षित एवं खुशहाल बेटी हमारे देश और समाज की भविष्य होती हैं। जिस समाज में बेटियां उनका सम्मान नहीं होता, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। पाकुड़ के झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वावधान में आयोजित होने वाले आगामी 29 जून को भूमि एवं राजस्व से संबंधित विशेष लोक अदालत को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह की अध्यक्षता में अहम बैठक की गई। बैठक में राजस्व मामले में भूमि अधिग्रहण मामला और विस्थापन मामले के मुआवजा समेत अन्य सहायक मामले को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह के आगामी 29 जून को होने वाले भूमि एवं राजस्व से संबंधित विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। जिले के सिमलोंग ओपी थाना क्षेत्र के सोनाजोड़ी पहाड़ी नदी से गुरुवार को पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया। शव की पहचान थाना क्षेत्र के बड़गांव पहाड़ निवासी बामना पहाड़िया 35 वर्ष के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह ग्रामीणों ने नदी में शव को तैरता हुआ देखा। ग्रामीणों ने शव की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सिमलोंग ओपी प्रभारी सर्वदेव रॉय घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पाकुड़ में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक यात्री की मौत हो गई। मृतक पश्चिम बंगाल के मालदा जिला का बताया जा रहा है। मृतक पाकुड़ रेलवे स्टेशन से अपने भाई के साथ पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मालदा जिला निवासी 19 वर्षीय इसीबुल शेख अपने भाई पीटू शेख के साथ पुरुलिया से मजदूरी कर अपने घर जा रहा था। पाकुड़ रेलवे स्टेशन में मालदा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का इंतजार प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर कर रहा था। इसी दौरान अपलाइन से मालगाड़ी गुजर रही थी। वहीं हसीबुल शेख अचानक से उसके आगे कूद गया, जिसमें वो मालगाड़ी की चपेट में आ गया। पाकुड़ में पिछले दिनों हिरणापुर अंतर्गत ग्राम तोड़ाई में 10 वर्ष के दलित युवक जिसके पिता का नाम दिलीप रविदास है, जिसका दुर्घटनाग्रस्त डंपर से हो गया है। वहीं आपको बता दें कि युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज बाहर चल रहा है। ये एक दुखद घटना है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पाकुड़ इसकी घोर निंदा करती है, क्योंकि गरीब कमजोर वर्ग दलित को मदद करने वाला कोई भी नहीं है। उसका परिवार भी उन्हें खिलाता पिलाता है और ईश्वर ही उन्हें बचाते हैं। दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद किसी तरह वो अपनी दो वक्त की रोटी प्राप्त कर पाते हैं और अपने बच्चों और देश का भविष्य बनाते हैं। देश के निर्माण में उनकी अहम भूमिका होती है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।